नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप कुमार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड ट्यूटोरियल चैनल को। दोस्तों, आप लोग ये न्यूज़ सुनकर के चौंक जाएंगे, बिल्कुल चौंक जाएंगे, क्योंकि ये जियो के तरफ से न्यूज़ है। और ये न्यूज़ ये है कि अब जियो के कॉल करने के लिए, यानी आउटगोइंग कॉल आप जब भी करोगे, तो उसके लिए आपको 6 पैसे प्रति मिनट आपको चार्ज देने पड़ेंगे जियो को। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी तक ये फ्री था, बिल्कुल फ्री था, और जियो ने वादा किया था कि हमेशा के लिए ये फ्री ही रहेगा, सिर्फ एक बार ही रिचार्ज करना पड़ेगा, यानी महीने 3 महीने का पैक लेना पड़ेगा। लेकिन अब ये नहीं रहा ऐसा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जियो ने अपने प्रेस रिलीज करके ये जानकारी दिया है, क्योंकि जियो ने बताया है कि IUC चार्ज के नाम से आपसे 6 पैसे प्रति मिनट आपसे लिए जाएंगे। दोस्तों, जियो ने ये बताया है इस प्रेस रिलीज में कि जब भी आप दूसरे ऑपरेटर को कॉल करोगे, यानी वोडाफोन, आइडिया या फिर दूसरे किसी भी ऑपरेटर पे आप कॉल करोगे, तब आपको 6 पैसे प्रति मिनट आपसे लिए जाएंगे। लेकिन आप जियो से जियो कॉल करोगे तब पैसे नहीं लिए जाएंगे, वैसे ही प्लान रहेगा जैसे पहले था। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि IUC के चार्ज के नाम से ये पैसे आपसे लिए जाएंगे, क्योंकि पहले भी ये चार्ज लगता था, लेकिन अभी तक जियो नहीं लेता था, और भी ऑपरेटर्स जो हैं वो नहीं लेते थे, और ऑपरेटर्स जो हैं सिम चालू रखने के पैसे लेते थे। लेकिन जियो दोस्तों अब आउटगोइंग कॉल करने के पैसे लेगा। यहाँ पे आप प्रेस रिलीज भी देख सकते हैं, आपको मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ पूरा प्रेस रिलीज जो इनका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं लिंक भी दे दूंगा नीचे, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे myjio.com के वेबसाइट पे जाके आप सर्च कर सकते। दोस्तों, आप डायरेक्ट भी यहाँ पे गूगल से सर्च कर सकते हो jio.com/IUC। ये IUC के नाम से ही पैसे लिए जा रहे हैं। यहाँ पे जियो का कहना है कि पहले भी हम लोग जो टेलीकॉम ऑपरेटर है, जो भी आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, इन सभी को पैसा दिया करते थे हम 6 पैसे प्रति मिनट। जब भी आप जियो के नंबर से दूसरे किसी भी ऑपरेटर पे कॉल करते थे, यानी वोडाफोन, आइडिया या फिर दूसरे किसी भी सिम पे, तो जियो को जो है 6 पैसे प्रति मिनट के हिसाब से दूसरे ऑपरेटर को देना पड़ता था। दोस्तों, ये चार्ज जियो शुरू से ही दे रहा है, और सभी जो भी ऑपरेटर है सभी देते हैं, लेकिन जियो ने ये चार्ज अब हम लोगों से वसूलना शुरू कर दिया है। jio.com/IUC सर्च करके, या फिर हमारे जो नीचे हम डाउनलोड का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके ये पूरा डिटेल भी आप पढ़ सकते हो, आप देख के समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है 6 पैसे प्रति मिनट जो लगेगा आपको कॉल वो। इसमें जियो ने ये बताया कि अभी तक उसने 13,000 करोड़ के लगभग पैसे जो है वो अदर ऑपरेटर को, यहाँ पे आप देख सकते हैं 13,000 करोड़ के लगभग वो IUC चार्ज के नाम पे जो है अदर ऑपरेटर को दे चुका है। तो वो सभी ऑपरेटर देते हैं एक दूसरे के। जब भी आप एयरटेल से भी जियो पे कॉल करते हो, तभी भी एयरटेल वाले को जियो को पैसे देने पड़ते हैं, वैसे ही सारे ऑपरेटर का ये नियम है। लेकिन जियो ने हमसे ये शुल्क वसूलना शुरू कर दिया है, जो कि दोस्तों यहाँ पे आपको टॉपअप भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉपअप का भी ऐलान हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं IUC टॉपअप वाउचर जो है 10 रुपये का अगर आप रिचार्ज करते हैं, तो 124 मिनट जो है आप दूसरे किसी भी नंबर पे कॉल कर पाएंगे। उसके साथ में यहाँ पे तो डाटा तो फ्री ही है, फिर भी 1 GB डाटा, 2 GB डाटा यहाँ पे रुपये के हिसाब से दे दिया गया है, ताकि कस्टमर ये सोचे कि हमें डाटा का ही सिर्फ पैसा लिया जा रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो भी रिचार्ज कराओगे, यानी 399, 499 जो भी रिचार्ज आप कराते हो, उसके अलावा से ये वाउचर, यानी ये रिचार्ज आपको कराना पड़ेगा, तभी आप दूसरे किसी ऑपरेटर को कॉल कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, ये अब इंतज़ार इस बात का है दोस्तों कि ट्राई जो है, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो अब इस बात पर क्या फैसला लेता है, क्योंकि उसने बताया था कि इस जो जनवरी है उससे हम अपना जो चार्ज है वो जीरो कर देंगे, IUC चार्ज जो है सभी ऑपरेटर के लिए जीरो कर देंगे। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि ये क्या फैसला लेता है। लेकिन अभी तक जो दोस्तों हम लोग से 6 पैसे प्रति मिनट के हिसाब से जो दूसरे ऑपरेटर पे जब भी हम कॉल करेंगे उतना हमें देना ही पड़ेगा। जियो जो है दोस्तों, अगर 6 पैसे प्रति मिनट के हिसाब से अदर मोबाइल पे कॉल करने का अगर हमसे पैसे ले रहा है, तो अब जो भी ऑपरेटर है, बाकी आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, जो भी ऑपरेटर है बाकी सारे जो है ये चार्ज जरूर लगा देंगे, क्योंकि जियो से कम तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन उसके बराबरी पे सारे रहना चाहते हैं। तो देखते हैं इस बात पे ट्राई क्या फैसला करता है। दोस्तों, ये जानकारी अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि अब जियो फ्री नहीं रहा बिल्कुल, अब इसके पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो सारे लोगों को पता चल पाएगा, और देखते हैं ट्राई कितना जल्दी इस पर फैसला लेता है।